नमस्कार दोस्तों कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यू पी पी का एग्जाम होने वाला है और उसमें दोस्तों कंप्यूटर के सेसन में पास होना जरूरी है तो दोस्तों हम टोटल एक हज़ार बेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं ये वो क्वेश्चन है जो दो या दो से अधिक बार पूछे जा चुके हैं तो दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये क्लासेज आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है बाइनरी कोड में सेवन लिखी जाती है तो बाइनरी कोड में अगर सेवन लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं बताओगे वन 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 लिखते हैं अर्थात एक सौ ग्यारह कह सकते हो अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि डाट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है तो जो डाट मैट्रिक्स है ये किसका एक प्रकार है तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे प्रिंटर का है अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है तो उसका क्या नाम है तो उसका नाम बताओगे कहोगे मॉडेम उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं कंप्यूटर में विंडोज एक प्रकार का है तो कंप्यूटर में विंडोज किस प्रकार का होता है तो इसमें राइट आंसर बताओगे विंडोज एक सॉफ्टवेयर है अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं कह रहा है कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतया नष्ट करते हैं तो किसे नष्ट करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर बताओगे प्रोग्रामों को नष्ट कर देते हैं अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे प्रकाश भंडारण अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है तो विश्व का जो सबसे तेज कंप्यूटर है उसका क्या नाम है तो बताओगे टी थ्री ए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं अनुपम क्या है तो अनुपम क्या है तो इसमें राइट आंसर आप लोग क्या बताओगे कहोगे एक सुपर कंप्यूटर है अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था तो किस संस्था ने किया था बताओगे सीर डैक ने किया था अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई किसा क्या होता है बताओगे बिट कहते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइकल एंजलो वायरस है तो माइकल एंजलो वायरस क्या है तो यहाँ पर राइट right आंसर क्या बताओगे कहोगे एक कंप्यूटर वायरस है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सारे कंप्यूटर में लागू होती है तो सारे कंप्यूटर में क्या लागू होती है तो बताओगे मशीनी भाषा अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं एप्पल क्या है तो एप्पल क्या है बताओगे एक फल चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है आप ये कहोगे एप्पल जो है ये चौढ़ी मतलब चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है तो कौन सा है इसमें राइट आंसर क्या बताओगे बत कि अनुपम है अगला क्वेश्चन इसमें ध्यान देते हैं कौन मस्तिष्क के प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा तो कौन होगा बताओगे क्वांटम कंप्यूटर अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं एक लोकप्रिय विंडोज इन्वायरमेंट विंडोज थ्री माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई थी ये कब की गई थी तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे इसमें कहोगे राइट आंसर हमारा हो जाएगा दो अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं इस्पैम किस विषय से संबंधित है इस्पैम किस से संबंधित है तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओगे इस्पैम जो है ये कंप्यूटर से संबंधित है अगला क्वेश्चन की ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है एक कंप्यूटर के अनुसार विश्व की सत्तर परसेंट आबादी किस राज्य तक नगरों में सिमट जाएगी वह है तो वह कौन सा है तो इसमें राइट right आंसर हो जाएगा 2050 तक अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइल को अक्सर क्या कहते हैं तो फाइल को अक्सर क्या कहते हैं तो इसमें बताओगे डॉक्यूमेंट कहते हैं अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे कि उसे हम लोग कहेंगे डाटा बेस अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि नई स्लाइड के लिए कौन सी कीबोर्ड का यूज करते हैं तो नई स्लाइड खोलना रहेगा तो हम लोग जो कीबोर्ड का यूज करें जो शॉर्टकट कर की यूज करते हैं उसे कंट्रोल एन कहते हैं अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एम एस वर्ल्ड डॉक्यूमेंट के अक्षरों को नीले लाल रंग का लहर का निशान क्या दर्शाता है तो कौन सा दर्शाता है तो बताओगे स्पेलिंग में त्रुटियाँ को दर्शाती है अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है तो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे प्रोसेसर अगला क्वेश्चन की ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं तो जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं बताओगे माइक्रोचिप कहते हैं अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड हो जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं तो उस सूचना को क्या कहते हैं बताओगे उसको इनपुट कहते हैं अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बताओगे इनमें से कोई नहीं अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं प्रिंट के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया जाता है तो प्रिंट के लिए हम कौन सा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं बताओगे फाइल को अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि प्रयोगिता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं बताओगे फाइल नाम कहते हैं अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं कट कापी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है तो कट कापी पेस्ट के लिए हम जो मेनू सेलेक्ट करते हैं उसे एडिट कहते हैं दोस्तों ये मेरा चैनल है कासन स्टडी बाई आलोक सर सर आप, आप सभी लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सर्च करके सब आ, सब्सक्राइब जरूर कर लें चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन पर कह रहा है कि रिलेटेड फ़ाइलों के कनेक्शन को क्या कहते हैं रिलेटेड फाइलों के कनेक्शन को क्या कहते हैं बताओगे डाटा बेस कहते हैं अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि विद्यमान डॉक्यूमेंट को प्रावर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाती है तो क्या कहलाती है इसमें राइट आंसर क्या बताओगे एडिटिंग कहलाती है अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है तो किसको यूज करते हैं तो बताओगे कंट्रोल ए को अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एम एस एक्सल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है तो हम किसका यूज करते हैं इसमें बताओगे इंसर्ट मेनू बड़ा होता है चार्ट से अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं तो किसकी सहायता से बचा सकते हैं बताओगे कंट्रोल प्लस एस अगला क्वेश्चन इसमें ध्यान देते हैं शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं तो ले जाने को क्या कहते हैं बताओगे कट और पेस्ट कहते हैं अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड होता है तो किस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड होता है तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे रोस एंड कॉलम्स में अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं बताओगे वर्ड प्रोसेसर कहते हैं अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि स्प्रेड स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं तो किसके संबंध में होते हैं बताओगे वर्कबुक के अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेशन क्या है तो एक्सटेशन क्या है बताओगे डॉस है अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय कौन सा अलाइन होते हैं तो जैसा कि यहाँ पर ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये आपको होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस प्रकार अगर देखा जाएगा तो इसका आंसर ए हो जाएगा बता दे रहे हैं क्योंकि आप लोग तो कमेंट बॉक्स में आंसर तो देते नहीं हैं तो इसी के साथ में दोस्तों ये सेशन यहीं पर समाप्त कर देते हैं जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने के लिए आज हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं इसी के साथ में ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और अगर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसी के साथ में ये सेशन समाप्त करते हैं नमस्कार